तो दोस्तों काइन मास्टर ओपन कर लिया हमने। तो दोस्तों जो हमारे स्क्रीन पे आपने देखा होगा इस तरीके का क्रिसमस स्टेटस जो बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, जो कि सेंटा क्लॉज जो है उड़ता हुआ जा रहा है उसको भी मैं ऐड करने बताऊंगा कैसे उसको ऐड किया जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। प्लस वाले आइकन पर हमें क्लिक कर लेना है। 1.1 का हम यहाँ पर रेशियो ऐड करेंगे। इसके बाद दोस्तों मीडिया पर जाएंगे, यहाँ से हमें फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने 5 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं इनको पैन एंड जूम करके इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। इस तरीके से ऐड करेंगे। एक फ़ोटो और ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया इन सबको। और इसके बाद में दोस्तों हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑटो मैनुअल चेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से थर्ड नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से मैं सब पे ऐड कर देता हूँ, आप लोगों को भी ऐड कर लेना है इन सबको। ऐड करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इस तरीके से जब ऐड हो जाएगा इसका दोस्तों मैं थोड़ा इनको छोटा कर लेता हूँ हल्का हल्का। इस तरीके से मैं इन सबको ऐड कर लिया। इसको कर लेंगे हम एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होने के बाद में इसको हम बैक करेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, 1.1 रेशियो यहाँ पे लेंगे। मीडिया पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो को सिलेक्ट करके एक यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लेना है हमें। इस तरीके से हम एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं। लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे जाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है क्रिसमस वाला। इस तरीके से इसको कर लेंगे फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद में दोस्तों इसको हम क्रोमा की को इनेबल कर देंगे, ग्रीन स्क्रीन जो रिमूव हो जाएगा। मीडिया पे क्लिक करेंगे, लेयर पे मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से हम जो वीडियो एक्सपर्ट किया था उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में दोस्तों इसको हम क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे, मास्क इनेबल करेंगे और इसको राउंड वाला दे देते हैं शेप। राउंड वाली शेप देने के बाद में दोस्तों हमें इसको स्मॉल कर लेना है और यहाँ इसको एडजस्ट करेंगे इसके अंदर और इसे कर देंगे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करें तो इस तरीके का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, यहाँ से लाइटनिंग वाला इफेक्ट हम लगा लेंगे। तो मैं यहाँ इसको ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से हमें बड़ा कर लेना है इसको और इसको लेयर पे क्लिक करके यहाँ से ब्लेंडिंग पे आएंगे, यहाँ से हम इसको स्क्रीन कर लेंगे। इसके म्यूट को मैं म्यूट कर लेता हूँ, इसके ऑडियो को, इसके ऑडियो को भी मैं म्यूट कर लेता हूँ। अब दोस्तों प्ले करके दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके का स्टेटस जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। तैयार हो चुका है दोस्तों। अब जो सेंटा क्लॉज उड़ने वाला है तो इसको लगाना कैसे है दोस्तों, क्लिक कर लेते हैं। जो मैंने टेम्पलेट बना रखा है तो उसमें पहले से ही लगा दिया है मैंने। तो लेयर पर क्लिक करके स्टिकर्स पर जाएंगे, स्टिकर पे क्लिक करने वाले नीचे हम दोस्तों स्क्रॉल करेंगे, क्रिसमस इज हेयर पे आएंगे, सेकंड वाले पे आते हैं संता इज हेयर। तो इस पर हमें क्लिक करने ना इस वाले को, जब इसको हम क्लिक करेंगे इस तरीके से इसको स्मॉल कर लेते हैं और मैं चलिए एक और उड़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख लेता हूँ इनको, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें क्लिक करना है इस की वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम इतना खींच लेंगे यहाँ से। और जो संटा जो हमने अंदर किया था इसको मैं पीछे इनके कर लेता हूँ, इनके पीछे ही दौड़ा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये चले गए जी। ठीक है, अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो आपको कुछ इस तरीके का जो संटा
दोनों संटा जो है वो चलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपका क्रिएट जो स्टेटस है वो क्रिएट हो चुका है, अपनी गैलरी में इसको एक्सपर्ट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।